अभी कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि बिटकॉइन की तर्ज पर रिलायंस जियो अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी जियोकॉइन लाने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले रिलायंस जियोकॉइन को लॉन्च करने की आधिकारिक तौर पर घोषणा करे, मार्केट में जियोकॉइन के नाम पर फर्जीवाड़ा शुरू हो गया है। अभी हाल ही में एक जियोकॉइन के नाम पर फर्जी वेबसाइट सामने आई थी और अब गूगल प्ले स्टोर में भी जियोकॉइन के नाम पर कई ऐप देखने को मिल रहे हैं। गूगल प्ले स्टोर पर इस वक्त जियोकॉइन के नाम पर लगभग 36 फर्जी ऐप मौजूद हैं। इनमें से कई ऐप में यूजर्स को जियोकॉइन देने का वादा किया जा रहा है। इन ऐप को डाउनलोड करने के बाद यूजर्स से उनकी निजी और बैंक जानकारी भरने को कहा जा रहा है और फिर कुछ पैसों के बदले उन्हें जियोकॉइन देने का वादा किया जा रहा है। इस मामले में एक्सपर्ट से बातचीत की गई तो उन्होंने यूजर्स को इस ऐप को डाउनलोड ना करने की सलाह दी है। एक्सपर्ट का कहना है कि ऐप आपसे आपकी जानकारी को लेकर आपके फोन को हैक कर सकते हैं या आपके फोन को मालवेयर के जरिए उसे स्लो कर सकते हैं। यहां तक कि इन ऐप के जरिए आपके बैंक अकाउंट हैक होने का भी डर है। टीम इंडलिंक्स।